अस्सलाम रही अम बायोलॉजी चैप्टर फ़ोर और लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर चैप्टर फ़ोर का जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल जितने भी पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड उन सभी को हम कंपैरिजन के अतबार से डिस्कस करेंगे यानी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर और यूकैरियोटिक सेल के अंदर डिफरेंस देखेंगे कंपैरिजन के तौर पे हम इसको जो इस टॉपिक को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम नाम की तरफ आते हैं कि नाम इनको क्यों दिया गया बनोजिस्ट ने जितने भी जानदार हैं इस दुनिया में उन जानदार में मौजूद सेल्स को दो बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड किया एक कैटेगरी को नाम दिया प्रोकैरियोट प्रोकैरियोटिक सेल्स का और दूसरी कैटेगरी को नाम दिया यूकैरियोटिक सेल्स टिक और यूकैरियोटिक सेल्स को ये नाम क्यों दिए गए उनकी तरफ आते हैं सबसे पहले हम यूकैरियोटिक सेल को डिस्कस करेंगे कि इनको ये नाम क्यों दिया गया तो हमारे लिए समझना आसान होगा कि प्रोकोटिक सेल कौन से होते हैं यू का मतलब होता है ट्रू से निकला है जिसका मतलब न्यूक्लियस यूकैरियोटिक यानी कि ट्रू न्यूक्लियस और यूकैरियोटिक सेल यानी ट्रू न्यूक्लियस वाले सेल अब ट्रू न्यूक्लियस कौन सा होता है ऐसा न्यूक्लियस जिसमें जेनेटिक मटेरियल के गिर्द जेनेटिक मटेरियल से मराद हम डीएनए एन वगैरह की बात करें तो ऐसा न्यूक्लियस जिसमें जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए एन के गिर्द क्या है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की मौजूदगी की वजह से क्या होगा ये न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होगा वाज नज़र आएगा और साथ ही साथ क्या उसकी डेफिनेट शेप होगी उसकी मखसूस शक्ल होगी तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की प्रेजेंस की वजह से क्या है न्यूक्लियस का वेल well डिफाइन होना और फिर उसकी डेफिनेट शेप का होना ये इसको ट्रू न्यूक्लियस बनाता है यानी ऐसा न्यूक्लियस जिसके जिसमें क्या है न्यूक्लियर न्यूक्लियर मटेरियल डीएनए क्रोमोसोम के गिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से वो न्यूक्लियस डेफिनेट शेप रखता हो वेल well डिफाइन हो ऐसा न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस कहलाता है और ऐसे सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है उनको हम नाम देते हैं यू करियोटिक सेल जबकि अगर हम बात करें प्रोकरोटिक सेल की तो ऐसे सेल जिनमें क्या है जो ट्रू न्यूक्लियस है वो मौजूद नहीं होगा यानी एबसेंट होगा ऐसे सेल जिनमें ट्रू न्यूक्लियस एबसेंट होगा इनको हम नाम देते हैं दे आर नोन एज प्रो तो करियोटिक सेल प्रो का मतलब होता है बिफोर और करियोटिक केरियो से निकला है केरियोन से जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस बिफोर न्यूक्लियस या विदाउट न्यूक्लियस और बिफोर या विदाउट न्यूक्लियस से मुराद एक्चुअली यहाँ पे विदाउट ट्रू न्यूक्लियस की बात की जा रही है ऐसे सेल जिनमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता उनको हम प्रो कैरियोटिक सेल्स का नाम देते हैं तो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे प्रोकेरियोट्स हैव नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यानी प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हमारा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वाजे नहीं होगा उसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होगी उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी जेनेटिक मटेरियल जो है विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीएनए क्रोमोसोम विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे और ओपनली जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर सबमर्ज्ड फॉर्म में अवेलेबल होंगे सो नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इन विच जेनेटिक मटीरियल डी एन ए इज विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल को कहा जाता है जिसमें क्या है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा और जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए की सूरत में होता है वो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑब्जर्व किए जाते हैं जबकि इधर यूकैरियोट्स यूकैरियोटिक सेल हैव वेरी वेल न्यूक्लियस इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा यानी ऐसा न्यूक्लियस जिसकी शनाख की जा सकती है जिसको पहचाना जा सकता है जिसकी स्पेसिफिक शेप होगी जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने क्या है डीएनए जेनेटिक मटेरियल को सराउंड किया होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इन विच न्यूक्लियर मटीरियल यानी डी एन क्रोमोसोम एनक्लोज इन डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी यू में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस में क्या होगा न्यूक्लियर मटेरियल डीएनए क्रोमोसोम को डबल न्यूक्लियर में सराउंड किया होता है कवर किया होता है इसके बाद दूसरा पॉइंट है प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक सेल्स के रिलेटेड ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक सेल वो ऑर्गेनिज्म जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स मौजूद होते हैं दे आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल मौजूद होते हैं इनको हम नाम देते हैं दे आर नोन एज प्रोकैरियोट्स और मिसालों में हमारे पास बैक्टीरिया मौजूद हैं सैनोबैक्टीरिया मौजूद है साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल जी भी बोला जाता है यानी ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम प्रोकैरियोट्स का नाम देते हैं और यही वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें क्या है प्रोकैरियोटिक सेल मौजूद होता है जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होगा जबकि अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की ऑर्गेनिज्म Possessing eukaryotic cell, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें यू करियोटिकल मौजूद हो दे आर कार्ड यूर्स और एग्जाम्पल के तौर पर एनिमल्स प्लांट्स फंजाई और इवन प्रोटेस्ट किंगडम से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिज्म वो भी इसी में शामिल होंगे ये सारे के सारे क्या है दे ऑल आर यू करियोर्स वाई बिकॉज दे हैव कैरियोटिक सेल नेक्स्ट पॉइंट है हमारा <coughs> तीसरा डिफरेंस के लिहाज से प्रोकैरियोटिक सेल्स जनरली लेक मेम्ब्रेन बाउंड्रेड स्ट्रक्चर्स प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड्रेड स्ट्रक्चर्स मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनालीज नहीं होती एबसेंट होती है लेक का मतलब होता है एबसेंट होना मौजूद ना होना और मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर्स कौन से हैं जैसे कैंडोप्लाजमिक्रिटिकल हो गया माइटोकॉन्ड्रिया हो गया गोलजी बॉडी हो गया या फिर क्लोरोप्लास्ट वगैरह ये सारी मेबरन बाउंडेड ऑर्गेनाइलीज़ हैं और ये ऑर्गेनाइलीज प्रोक्रियोटिक सेल्स या प्रोकेोट्स में नहीं होती एबसेंट होंगी यू सेल्स कंटेन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनालीस इनमें मौजूद होती हैं और वो कौन कौन सी हैं जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है माइटोकॉन्ड्रिया है गर्जी बॉडीज हैं इसी के साथ साथ क्लोरोप्लास्ट है लाइजोजोम हैं गायक्जोम हैं ये सारी की सारी या पेरॉक्जोम्स हैं ये सारी की सारी क्या है मेम्ब्रेन इन बाउंड्रेड ऑर्गेलीज हैं और मेम्ब्रेन इन बाउंड्रेड जो है वो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स या यूकैरियोटिक सेल्स में ऑब्जर्व की जाती है नेक्स्ट पॉइंट है प्रोकैरियोट हैव स्मॉल राइबोसोम और स्मॉल साइज कौन सा से? है सेवन टी एस वाले राइबोसोम इनमें मौजूद होते हैं ये हम राइबोसोम वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं कि लार्ज सब यूनिट फिफ्टी एस होगा स्मॉलर सब यूनिट थर्टी एस होगा ये फिफ्टी एस और थर्टी एस वाले सब यूनिट मिल के ये सेवेंटी एस वाला राइबोसोम बनाते हैं जो कि प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है और उस लिहाज से हम कहते हैं कि ये स्मॉलर राइबोसोम है जबकि अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें यूकैरियोट्स हैव रिलेटिवली लार्ज साइज राइबोसोम्स और ये कितना एटी एस का साइज रखने वाला राइबोसोम होंगे 80S के साइज वाले राइबोसोम यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं और ये 80S किसके कॉम्बिनेशन से लार्जर सब यूनिट 60S का होगा स्मॉलर सब यूनिट 40S का होगा और दोनों कलेक्टिवली क्या है कंबाइन होके 80S की फॉर्मेशन करते हैं साइज में रिडक्शन क्यों होती है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं राइबोसोम वाले टॉपिक में के दोनों सब यूनिट कंबाइन बाएँ होकर कुछ ना कुछ साइज़ में रिडक्शन की वजह बनते हैं जिस वजह से टोटल जो आंसर होना चाहिए था उसकी वजह उससे उसकी निस्बत थोड़ा कम होता है अगर हम दोनों में देखें तो सेवेंटी एस है रेलिटिवली स्मॉल साइज राइबोसोम और इनमें देखें तो एटी एस है रेलिटिवली लार्ज साइज राइबोसोम्स नेक्स्ट पॉइंट प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल्स ज़्यादा कंप्लेक्स नहीं है पेचीदा नहीं है बल्कि दे आर सिंपल इन नेचर एज वेल एज दे आर प्रव पुराने हैं, यानी अर्ली इनको कहा जा सकता है पुराने कहा जा सकता है पुराने तरीन कहा जा सकता है और एवोल्यूशन भी यही कहते हैं कि पहले सूरज जो है उससे ज़मीन अलग हुई एक टुकड़ा अलग हुआ ज़मीन बनी ज़मीन का दर्जा था ठंडी हुई तो इस पर क्या है लाइफ ज़िंदगी वजूद में आई जिंदगी किस सूरत में वजूद आई वजूद में आई यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया की सूरत में प्रोकैरियोट्स की सूरत में और ये लाइफ सिंपल फॉर्म में थी आहिस् आहिस्त कंप्लेक्स होना शुरू तो हुई तो प्रोकेर से यूकैरियोट्स की फार्मेशन हुई यूकैरियोट्स जो थे वो क्या है वो कम्प्लेक्स भी थे साथ ही साथ एडवास भी कंसिडर किए गए तो यही चीज़ यहाँ पर भी बताई गई है कि प्रोकैरियोट्स सिंपल भी हैं साथ ही साथ क्या है प्रिमिटिव हैं और ये बात एवोल्यूशन साबित करता है यूकैरियोटिक सेल्स आर कम्प्लेक्स यू सेल्स कम्प्लेक्स हैं यानी पेचीदा हैं एज वेल एज दे आर एडवांस यानी इतने पुराने नहीं हैं बल्कि क्या हैं ये जदीद हैं यानी अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की नस्बत इनको देखें तो ये एडवांस्ड भी हैं यानी ज़्यादा बेहतर हैं और साथ ही साथ क्या है कम्प्लेक्स हैं पेचीदा माने जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, है प्रोकैरियोट्स के अंदर माइटोसिस माओसिस के हवाले से या फिर सेल डिवीजन के हवाले से इन प्रोकैरियोट्स माइटोसिस इज मिसिंग माइटोसिस प्रोकैरियोट्स में अब्जर्व नहीं किया जाता तो फिर कैसे प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक सेल डिवाइड करते हैं सेल डिवाइड बाय बाइनरी रिफिशन बाइनरी का मतलब होता है दो और फिशन का मतलब होता है टूटना सप्लिट होना यानी एक सेल का दो में तकसीम होना या एक प्रोकैरियोटिक सेल का डिवाइड होके दो में चेंज होना ये क्या कहलाता है कहलाता है अब इनमें इस सेल डिवीजन के प्रोसेस को हम माइटोसिस का नाम क्यों नहीं देते इसलिए नहीं देते क्योंकि माइटोसिस क्या है एक स्पेसिफिक एक्टिविटी है जो स्पेसिफिक फेजेस पर मुश्तम होती है जिसमें क्या है प्रोफेज माइटाफेज एनाफेज चिलोफेज ये एक मखसूस तरतीब से आते हैं और माइटोसिस पूरा होते हैं फिर क्रोमोसोम्स के बनने का अमल अपने अपने पोल्स पौल, पर पहुंचने का अमल स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन फिर उनका टूटना उनका क्रोमोसोम्स को मूव करवाना ये सारी चीज़ें प्रोकैरियोटिक सेल में ऑब्जर्व नहीं की जा सकती जिस वजह से इनकी सेल डिवीजन के प्रोसेस को भी हम माइटोसिस नहीं कह सकते बल्कि हम कहते हैं कि ये क्या है ये बाइनरी फिशन है तो बाइनरी फिशन इनमें ऑब्जर्व की जाती है सेल बाइनरी फिशन के जरिए डिवाइड होता है अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो इनमें क्या है सेल डिवाइड होगा किसके जरिए बाय माइटोसिस एज वेल एज मोसिस माइटोसिस और मेोसिस दोनों ही वो प्रोसेस हैं जो क्या करते हैं सेल को डिवाइड करने की वजह बनते हैं सेल इनके ज़रिए डिवाइड होगा और नेक्स्ट न्यू सेल्स की फॉर्मेशन करेगा माइटोसिस में क्या होता है एक सेल दो में तकसीम होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेम रहेंगे मियोसिस में क्या है एक सेल चार नए सेल्स में चेंज होता है चार नए सेल्स की फॉर्मेशन करता है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके अंदर क्या है इस डोमेन के अंदर हाफ हो जाते हैं ये सिर्फ और सिर्फ उन सेल्स के अंदर होता है जिन्होंने गेमीट्स की फॉर्मेशन करनी होती है जबकि बाकी बॉडी पार्ट में कहीं भी सेल मौजूद होते हैं यूकेरियोटिक सेल वो क्या है वो माइटोसिस को शो कर रहे होते हैं यहाँ पे हमें प्रॉपर फेजेस नजर आएंगे माइटोसिस के अंदर मोसिस के अंदर प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज़ वगैरह न्यूक्लियस की फार्मेसन उसकी डिसअपियरेंस क्रोमोसोम की फार्मेशन उनकी डिसअपियरेंस उनकी मूवमेंट अपोजिट पोल्स की तरफ स्पेंडो फाइबर्स की फार्मेशन उनका डिसअपियर होना ये सारी चीज़ें हम क्योंकि इधर ऑब्जर्व करते हैं इसीलिए हम कहते हैं कि इनमें माइटोसिस मेसिस हो रहा होता है और इधर नहीं हो रही होती इसीलिए हम क्या है इनको ये नाम नहीं देते इनकी सेल डिवीजन को माइटोसिस नहीं कह सकते बल्कि इसको और नाम दिया गया यानी बाइनरी फिशन इनमें होती है नेक्स्ट पॉइंट है सेल वॉल के हवाले वॉल इन परोकैरियोट इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोलाइकिन और मूरेन पेप्टाइडोग क्या है ग्लाइकिन एक्चुअली पोलीसेक्राइड चेन को शो करते हैं पोलीसेक्राइड या कार्बोहाइड्रेट को शो करता है जबकि पेप्टाइडो पेप्टाइड को, को प्रेजेंट करता है जिससे मुराद अमाइनो एसड है पेप्टाइडो की सूरत में शॉर्टर अमाइनो एसिड चेन्स वो कोविलटली बॉन्डेड होते हैं इन लार्ज गलाइकिन चेन्स के साथ

प्रोकैरियोट की जो सेलवाल है वो पेप्टाइडोलाइकिन या म्यूरोन की बनी होती है इसी से मिलता जुलता है एक और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इवन एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंटायर वॉल इज ऑफन रिगार्डेड एज सिंगल ह्यूज मॉलिक्यूल आर मॉलिक्यूलर कंप्लेक्स हम इस डायग्राम की मदद से इसको समझेंगे कि जो सेलवॉल प्रो की है उसको क्या है वो अगर ऑब्जर्व किया जाए माइक्रोस्कोप के नीचे तो एक बड़ा ह्यूज मालिक्यूल के तौर पे नजर आती है एक कंटिन्यूस ह्यूज मालिक्यूल के तौर पे नजर आने वाली ये से, जो सेल वॉल है इसकी बात की जा रही है। सो एंटायर सेल वॉल, एंटायर वॉल इज ऑफन रिकॉर्डेड एज सिंगल ह्यूज मालिक्यूल और मालिक्यूलर कॉम्प्लेक्स नोन एज कार्ड एज सेक्यूल इसको सेक्यूलस का नाम दिया जाता है जब भी हम प्रोकैरियोटिक प्रोकोटिकॉल की बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे पूरे का पूरा बड़ा सारा मालिक्यूल जो है इसकी मेन बॉडी के गिर्द लिपटा हुआ है और जब भी हम इसको एज ए लार्ज ह्यूज सिंगल मालिक्यूल के तौर पे कंसीडर करते हैं तो इसको फिर हम ये भी नाम देते हैं इट इज आल्सो नोन एज सेक्यूलस इसको फिर सेक्यूलस भी कहा जाता है तो इसी चीज को यहाँ पर डिफाइन किया गया कि जब सेलवाल पर ओके की ह्यूज मालिक्यूल के तौर पे देखी जाती है ऑब्जर्व की जाती है तो उसको हम इस मालिक्यूलर कम्प्लेक्स इस ह्यूज मालिक्यूल ऑफ सेलवार को हम सेक्लस का नाम देते हैं नेक्स्ट सेलवाल ऑफ़ यूकैरियोट इट इज़ कम्पोज ऑफ सेलुलोज लेकिन सेलुलोज जो है सिर्फ और सिर्फ प्लांट की सेलवाल में होता है जबकि अगर हम फंजाई की बात करें जो कि यूकैरियोट्स में ही आती है तो इसकी सेलवाल जो है वो काइटन की बनी होती है तो काइटन ऑब्जर्व किया जाता है सेल वॉल के अंदर या फिर सेलुलोज ऑब्जर्व किया जाता है वॉल के अंदर हाँ फ़र्क यह है कि सेलुलोज प्लांट की सेल वॉल में जबकि काइटन जो है वो फंजाई की सेल वॉल में ऑब्जर्व किया जाएगा नेक्स्ट पॉइंट प्रोकैरियोट्स आर मोस्टली स्मॉल इन साइज प्रोकैरियोट्स का साइज बहुत ज्यादा स्मॉल होता है इवन ज्यादातर स्पीशीज ऐसी हैं जो आम आँख से नजर ही नहीं आती माइक्रोस्कोप के जरिए नजर आएंगी एज वेल एज दे आर मोस्टली यूनीलुलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन होगी जबकि अगर हम यूकेरियोर्स की बात करें दे आर लार्ज इन साइज एंड मोस्टली मेक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी प्रोकेरियोर्स की नस्बत यूकेरियोर्स का साइज भी बड़ा होता है और साथ ही साथ क्या है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में ये मौजूद होते हैं नेक्स्ट पॉइंट सेंट्रियोल्स सेंट्रियोल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं सर्दोवियन के दौरान स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करने वाले ये स्ट्रक्चर्स हैं सेंट्रियोल्स और इसी के साथ साथ साइक्लोसिस साइटोप्लाम की वो जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट है उसको साइक्लोसिस कहा जाता है स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाम भी बोलते हैं तो सेंट्रियोल एंड साइक्लोसिस एबसेंट इन सेल यानी प्रोकैरियोटिक सेल में साइक्लोसिस और सेंट्रियोल एबसेंट होंगे जबकि यूकैरियोटिक सेल में सेंट्रियोल एंड साइक्लोसिस प्रेजेंट यूकैरियोटिक सेल में ये मौजूद होंगे लास्ट पॉइंट प्लाज्मिड एंड पिलाई प्रेजेंट शॉर्ट सेल साइकिल प्लाज क्या है स्पेसिफिक जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोट्स में पाया जाने वाला जिसका काम क्या है प्रोकैरियोटिक सेल को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना होता है हैवी मेटल्स के अगेंस्ट या फिर डिफरेंट इंसेक्ट्स के अगेंस्ट या डिफरेंट डिजीज के अगेंस्ट सिंपली हम कह सकते हैं ऐसा जेनेटिक मटीरियल जो प्रोकैरियोट्स में मौजूद हो जिसका काम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना हो या फिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना हो प्रोकैरियोट्स को प्लाजमिट कहलाते हैं और पिलाई क्या है पिलाई यार स्पेसिफिक फाइबर लाइक -like स्ट्रक्चर फिंगर लाइक -like स्ट्रक्चर और इनका काम क्या होता है दो परो सेल्स के दरमियान जेनेटिक मटीरियल को एक्सचेंज करना जेनेटिक मटीरियल की एक्सचेंज करने वाले स्ट्रक्चर पिलाई और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाले ये प्लाज्मे नामी स्ट्रक्चर ये परोकेरियोर्ट्स में प्रेजेंट होते हैं जबकि सेल साइकिल यानी एक सेल के बनने से ले उसके मैच्योर होने और फिर मैच्योर होने के बाद दो में चेंज होने तक का जो प्रोसेस है ये सेल साइकिल कहलाता है और सेल साइकिल का दरानिया परो करियोर्स में बहुत कम होता है शॉर्ट होता है अराउंड अबाउट ट्वेंटी टू थर्टी मिनट्स यानी बीस से तीस मिनट होगा जबकि अगर हम प्लाज्मिड और प्लाई की बात करें दे आर एबसेंट इन यू सेल एज वेल एज लॉन्ग सेल साइकिल टाइम होगा सेल साइकिल का टाइम यानी एक सेल के बनने से लेके उसके नेक्स्ट अपने ही जैसे नए सेल्स की फार्मेशन तक का जो टाइम होगा वो सेल साइकिल कहलाता है और सेल साइकिल यूक्रियोटिक सेल में इसका जो ड्यूरेशन है इसका जो टाइम है वो ज्यादा होता है ये 12 से 24 घंटे के दरमियान होता है तो ये था हमारा डिफरेंस वाला कि डिफरेंस बिटवीन परोक्रियोटिक और एंड यूक्रियोटिक सेल इसको हमने यहाँ पर देखा अब रहा सवाल के कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं तो एम शॉर्ट और लॉन्ग तीनों के अतबार से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है एम बहुत ज़्यादा बनते हैं हर एक पॉइंट में वन एम बन सकते हैं आपने उसने आज से इसको देखना है शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो डिफरेंस के तौर पे ही शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर सेक्यूलर्स के तौर पे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और आखिरी चीज़ लॉन्ग क्वेश्चन एज होल टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल डिफरेंशियट बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट पंजाब के सभी बोर्ड्स के अंदर ये बराबर की हैसियत रखने वाला इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इम्पोटेंट एम सी क्यूज के तौर पर पूछा जाने वाला टॉपिक डिस्कस किया जाने वाला टॉपिक होगा तो होप कि आपको क्लियर होगा हमारा चैप्टर फोर यहाँ पे एंड होता है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए नए चैप्टर और नए टॉपिक के साथ तब तक अल्लाह हाफिज़